नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों व्याकरण, और व्याकरण में पढ़ रहे हैं हम विसर्ग संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? विसर्ग संधि। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि का क्या होता है कि विसर्ग संधि से जो संबंधित दो सूत्र हमारे पाठ्यक्रम में हैं, एक तो है विसर्जनीयस्य सह और दूसरा है वा सरी। ये हम पढ़ चुके थे विद्यार्थियों पीछे वाले लेक्चर में। अब देखिए, एक सूत्र है सजुसुरुह। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? सजुसुरुह। इसका अर्थ है, देखिए विवरण चिन्ह लगा देंगे, आप लिखेंगे पदांत सकार और सजुस शब्द के सकार के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि पदांत सकार, पदांत सकार का मतलब आप जानते हैं जो पद के अंत में हो। किसको कहते हैं पदांत? जो पद के अंत में हो। तो पदांत सकार और सजुस शब्द, ये एक शब्द है, सजुस के सकार के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, देखिए विद्यार्थियों पदांत सकार में जैसे क्या लेंगे आप, देखिए जैसे सेवास इस शब्द में सकार पदांत है, अतः प्रकृत सूत्र से सकार को रू होकर, अतः प्रकृत सूत्र से सकार को रू होकर शिवरू बनता है।
क्या बनता है विद्यार्थियों? से व रू। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है, हाथोर क्लोताद प्लुते, हाथोर क्लोताद प्लुते, यह सूत्र है। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, अप्लुत अत से परे रू को उ आदेश हो जाता है। क्या अर्थ है? अप्लुत अत से परे, अप्लुत अत से परे रूप को आदेश हो जाता है। अप्लुत अत परे हो तो देखिए यह सूत्र क्या कहता है, अप्लुत अत कहते हैं जो ह्रस्व होता है। तो अप्लुत अत से परे रू को उ हो जाता है। कब? अप्लुत अत परे हो तो। देखिए अर्थात आदेश हो जाता है। जैसे देखिए विद्यार्थियों, अप्लुत अकार के बाद रू हो और रू के बाद फिर अप्लुत अकार हो तो रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। जैसे देखिए
आप लिखेंगे सेवारु प्लस आर्च्य। तो देखिए यहां आप लोग आ है और इसके बाद रू है, रू के बाद अपरुत आ है। अपरुत अत से मतलब है ह्रस्व अकार। तो इस रू को क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। आप लिखेंगे इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से रू को ऊ होकर सेवा ऊ प्लस अर्च्य यह स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों देखिए, जब ह्रस्व आ के बाद रू हो और रू के बाद यदि ह्रस्व आ हो तो क्या होता है, उस रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। यह कहता है सूत्र कौन सा, अतो रोर प्लुताद प्लुते, कि अतो रोर प्लुताद प्लुते क्या कहता है, अप्लुत अत के बाद रू हो, रू के बाद अप्लुत अत हो तो उस रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सिद्धि करेंगे, सेवो अर्चह, कौन सी संधि है, सेवो अर्चह। तो देखिए सेवो अर्चह अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा सेवास प्लस अर्च्य। देखिए सेवा सूत्र से बनता है, स्वादी प्रकरण है ये। स्वादी प्रकरण क्या होता है, जिसमें सु प्रत्यय होता है, कौन सा, सु स्वजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं वे जिसमें होंगे उसको कहते हैं हम स्वादी प्रकरण। तो अब देखिए इसके ऊ का जब रूप हो जाता है सूखे का तो ये बचता है हमारे पास सेवास प्लस अर्च्य। और सूत्र लिख देंगे, सॉरी पहले लिखेंगे आप संधि विच्छेद करने पर Thank you.
क्या लिखेंगे? संधि विच्छेद करने पर, और फिर देखिए इसको कर लेंगे आप रू, और ये हो जाएगा सेव रू प्लस अर्चा, और सूत्र लिखेंगे आप सा सा जो सो रुहा, सूत्र से पदांत सकार को पदांत सकार को रू आदेश, क्या लिखेंगे? ससज सोरुह सूत्र से पदांत सकार को रू आदेश। फिर देखिए इस रू के रू की संज्ञा कर देंगे और लोप कर देंगे, और ये रह जाएगा यहां र। और फिर सूत्र लिखेंगे विद्यार्थियों उपदेशे अजानो नासिक हित सूत्र से रू के उकार की प्रकृत सूत्र सॉरी उपदेश जनाशिक सूत्र से रू के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञक उकार का लोप अब उसके बाद इस रू के, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि पूरे रू के स्थान पर वो नहीं होता, रू का जो ऊ है वह अनुबंध है इसलिए उसका लोप हो जाता है, और लोप होकर के फिर रा के स्थान पर रेप के स्थान पर क्या होता है? ओ होता है। और देखिए आप लिखेंगे से ब ओ प्लस अर्चा, सूत्र से देखिए ये तो सूत्र लगाएंगे अतोरोर प्लपाद प्रति, अतोरोर प्लपाद प्रति सूत्र से रू के स्थान पर उकार आदेश फिर देखिए यहां आ है और यहां पर ऊ है, और आज के बाद यदि हुआ है तो गुण संधि हो जाती है, और ये हो जाएगा आपका सेवो प्लस अर्चा, और सूत्र लग जाएगा आत्म
कौन सा लग जाएगा? आत्मना सूत्र से पूर्व व पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश और देखिए यहां पदांत ओ है, ओ के बाद ह्रस्व आ रहा है तो सूत्र लग जाएगा एंगह पदांतादति और आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? एंगह पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप करने पर रूप सिद्ध प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है हसिच। हसिच सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? देखिए हस परे हो तो क्या कहता है? हस हस जो प्रत्याहार होता है विद्यार्थियों उसमें ह य व रट ये आ जाते हैं, फिर पांचवा चौथा तीसरा ये बनाते हैं।
अब देखिए क्या अर्थ है, हस परे हो तो परे हो तो अप्रोत अत से परे, अप्रोत अत से परे हो जाता है। देखिए अर्थात आप लोग आतंक रस्व अकार से परे रूहो, अप्लुत अत से परे रूहो और रूह से परे हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रूप के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। देखिए जैसे सेवस प्लस बंध्य सॉरी रू है, रू को वो करना है, आप लिखेंगे सेवर प्लस बंध्य। यह विद्यार्थियों सेवर प्लस बंध्य इस उदाहरण में रू के स्थान पर हो होकर सेव को प्लस बंध्या यह स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों देखिए इसमें जब देखेंगे तो ये वा में आ है अप्लुतत है, उसके बाद रू है, रू के बाद क्या है हस प्रत्याहार का वर्ण, तो इस रू को ऊ हो जाता है। इतना सा कार्य है इसका, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसके।
अब देखिए आपको सिद्धि करनी है से वो बद्या। आप सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे और आप लिखेंगे सेवास प्लस बंद्य। और आप लिखेंगे संधि विच्छेद करने पर इसके बाद विद्यार्थियों इस सात को रू कर लेंगे और आप लिखेंगे सेवरु प्लस बंद्य और सूत्र लिख देंगे सा सा जो सोरुआ। सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रु आदेश फिर देखिए इस रु के ऊपर रोक कर देंगे और आप लिखेंगे सेवार प्लस बंद्य और आप लिखेंगे उपदेश आजानो नासिक एक उपदेश अजननासिक एक सूत्र से क्या है विद्यार्थियों उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से रू के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य रूपः सूत्र से इत संज्ञा का उकार का लोप। अब देखिए इसको ऊ कर लेंगे और देखिए ये हो जाएगा सेव ओ प्लस बंद्य और सूत्र लिख लेंगे आप हसिच। कौन सा लिखेंगे हसिच सूत्र से उत आदेश करने पर देखिए उत आदेश हो जाएगा इस पर और जब आप उत आदेश कर लेंगे तो इसमें गुण कर लेंगे आप लिखेंगे सेवो बंद्य और सूत्र लिख देंगे सूत्र से
आदगुणा सूत्र से पूर्व आ और पर तो दोनों के स्थान पर एक गुण दोनों के स्थान पर एक गुण को आदेश करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।